सही है। तो बेसिकली अभी एक सवाल आया, उससे पहले मैं आपको बता दूं, फेसबुक प्रोफाइल और फेसबुक पेज में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? फेसबुक प्रोफाइल आपकी सिर्फ आइडेंटिटी के लिए, आपकी प्रोफाइल बनेगी, हु यू आर, आसिम कौन है, सिंपल। उस प्रोफाइल पे आप पोस्टिंग वगैरह कर सकते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, बस। लेकिन अगर आपको अपना बिजनेस करना है, अगर आपने अपनी इन्फ्लुएंसिंग से रिलेटेड अपनी प्रोफाइल बनानी है, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अपने बिजनेस को ग्रो करना है, चाहे वो सर्विस का हो चाहे वो प्रोडक्ट का हो, उसके लिए आपने क्या करना होगा, एक पेज बनाना होगा, ठीक है, अपना पर्सनल पेज, जिसपे आप क्या कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, जिसपे आप एड चला सकते हो, जिसमें आप मल्टीपल फॉलोवर्स अपने पास एड ऑन कर सकते हो। लेकिन यही प्रोफाइल में आप एड नहीं चला सकते, सही है? प्रोफाइल में 5,000 फ्रेंड से ज्यादा आप एड नहीं कर सकते। लेकिन यही आप बिजनेस की तरफ चले जाओगे, यही आप अपने पेज की तरफ चले जाओगे, तो वहां मल्टीपल मिलियन में फॉलोअर्स भी ले जा सकते हो, वहां पे एड भी चला सकते हो, प्लस अपनी जो वो सर्विसेज हैं, पोस्टें जो है उनको अलाइन भी कर सकते हो, स्केड्यूल वाइज भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये हमें क्या ऑप्शन देता है, फेसबुक पेज ऑप्शन देता है, ये सारी चीजें, ठीक है? तो अगर आपने अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को, अपने आप को ग्रो करना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से एक बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है? फिर उस पर कॉन्टेंट प्रोड्यूस करना होगा, उसको फिर ग्रो करना होगा, ठीक है? अगर आपने फेसबुक मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए बिजनेस पेज बनाना होगा, चैट विद कस्टमर मैसेंजर यूज करना होगा, उस पोस्ट को बूस्ट करना होगा, और पेज की इनसाइट देखनी होगी ऑन डेली बेसिस, कि कल मेरे पेज पे क्या था और आज मेरे पेज पे क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है? कल जो मैंने पोस्ट डाली थी अपनी सेल्स की, या मैंने अपनी पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन की डाली थी, उस पर कितने लाइक्स आए, उसमें कितने कमेंट्स आए, कितने लोगों ने उस पर रिएक्ट किया, कितने लोगों ने उस पोस्ट को शेयर किया, ये सब क्या बताता है हमें, इनसाइट्स, एनालिटिक्स, ठीक है? ठीक है, फेसबुक मार्केटिंग टूल क्या है, जिसमें आप रीच क्या करते हो, वाइडर ऑडियंस तक, जितनी बड़ी से बड़ी ऑडियंस आप सिलेक्ट करना चाहो उन तक पहुंच सकते हो, ठीक है? आप अपने बिजनेस गोल को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो थ्रू फेसबुक, और लर्निंग और एड टाइप भी आप मल्टीपल बना सकते हो, जैसे हमने गूगल एड्स में देखा था, मल्टीपल एड्स थे जिसमें आप ट्रैफिक का था, सर्च एड था, सेल्स एड था, ठीक है, वीडियो एड था, ठीक है? इसी तरीके से गूगल में भी, फेसबुक में भी ऑब्जेक्टिव है, जिसको आप सिलेक्ट करके उन एड्स को चला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अवेयरनेस एड चलाना है, ट्रैफिक एड चलाना है, इंगेजमेंट एड चलाना है, लीड जनरेशन एड चलाना है, सेल्स एड चलाना है, ऐप इंस्टॉल एड चलाना है, तो ये किसके थ्रू जा सकते हो, फेसबुक के थ्रू, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके उस तरीके से टारगेट कर सकते हो। फिर दूसरा, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, जैसे हमने पहले देखा कि उसकी टारगेट ऑडियंस कौन थी, फाउंडर्स, ठीक है, और मार्केट कौन सी थी, यूएस की, यूके की, ठीक है, वो उन लोगों को टारगेट कर रहा था। तो आपने भी डिसाइड करना है आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, आपकी टारगेट ऑडियंस आप गुलशन में टारगेट करना चाह रहे हो, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, आप उसके लिए सिलेक्टिव अपनी ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है? अपनी ऑडियंस को एंगेज कैसे कर सकते हो, तो अवेयरनेस देके, ठीक है, पोस्ट को स्केड्यूल करके, ताकि आपकी जब पोस्टिंग डेली बेसिस पर जा रही होंगी तो आपकी ऑडियंस एंगेज होगी, क्योंकि वो उसको भी पता चलेगा कि आपके पेज एक्टिव है, आपके पेज में डेली क्या आ रही है, न्यू अपडेट्स आ रही है, न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है? उस बिहाफ पे जो फॉलोअर होगा वो रिटेन रहेगा आपके पेज पे, वरना वो कहाँ चला जाएगा, दूसरे पेज पे, ठीक है? यूज टारगेटेड एड कैंपेन टू एंगेज, ठीक है, एड कैंपेन चलाओगे जिससे आप अपने टारगेट ऑडियंस को क्या करोगे, रिटेन रखोगे, और फिर इनसाइट देखते रहोगे। फिर ये बता रहे किस तरीके से जो है वो फेसबुक आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, ये सारे गोल्स बता रहे हैं, जिसमें आपके पास इंक्रीज ऑनलाइन सेल है, री इंगेजमेंट है, सही है, क्रिएट ऑनलाइन प्रेजेंस है, ठीक है? अगर आप फेसबुक को फिर एक्सप्लोर करने जाओगे, तो फेसबुक को अगर आप देखो, तो आपके सामने होम बटन है, ठीक है, दूसरा आपके पास यहाँ पे आ रहा है मार्केट प्लेस,
तीसरा आपके पास आ रहा है ग्रुप्स, और चौथा आपके पास गेमिंग्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको एक्सप्लोर करो, उसके अलावा यहाँ पे मेन्यूज आ रहे हैं, मेन्यू आपके पास एड मैनेजर आ रहा है, मेटा बिजनेस सूट आ रहा है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ रहा है, एड सेंटर आ रहा है। ये मेरे पास इसीलिए आ रहा है मेरी प्रोफाइल पे, क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल को कन्वर्ट कर लिया है उस एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ पेज बना लिया उसको। ठीक है, तभी मुझे एड मैनेजर का ऑप्शन दे रहा है, मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन दे रहा है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिखा रहा है, एड सेंटर दिखा रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ से इवेंट वगैरह भी कोई बना सकता हूँ। इसमें बता दूँ कि मेरा कल इवेंट होने जा रहा है, इसमें मैं लाइव आने वाला हूँ, जहाँ मेरा इवेंट हो रहा है यहाँ पे पीसी होटल में। ठीक है, कोई भी इवेंट आप क्रिएट कर सकते हो जिसमें लोग इंटरेस्ट शो कराते हैं, लोग क्लिक करते हैं, जैसे आतिफ असलम का कॉन्सर्ट आ रहा है। ठीक है, एक कंपनी करवा रही है तो उसने ये इवेंट बना दिया, बहुत सारे लोग जाएंगे उस पर इंटरेस्ट कर देंगे कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा जिस दिन उसका इवेंट होगा, तो वो आपको क्या कर देगा, रिमाइंड करा देगा। सही है, फ्रेंड्स हैं आपके, ग्रुप्स हैं, न्यूज फीड जो हम होम खोलते हैं वो है, आपके पेजेस हैं जो आपने बनाए हुए हैं। ठीक है, गेमिंग वीडियोस हैं, प्ले गेम है, ठीक है, और वीडियोस हैं, सही है, शॉपिंग की हुआ है, ऑर्डर एंड पेमेंट, मार्केट प्लेस है। ठीक है, जो चीज आप सेव कर लेते हो, आपको पसंद आती है, आप उसको सेव करके रख लेते हो, वो चीजें हैं आपकी मेमोरीज हैं, वो जो आपको बार बार दिखाता है, 2018 की, 2017 की। ठीक है, क्लाइमेट साइंस सेंटर है, सही है, फंड रेजिंग है, मैसेंजर किट्स है, व्हाट्सएप है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हो, मार्केट प्लेस लिस्टिंग है, इवेंट है, ग्रुप है, एड्स है, पेज है, लाइव इवेंट है, स्टोरीज है, रील्स है, ये सारी ये क्या चीजें हैं, व्हाट्सएप जो दिया हुआ ये इसमें लिंक हो जाता है ना, ये व्हाट्सएप लिंक हो जाता है आपका, पेज में आ रहा होता है बिल्कुल ऑप्शन। ऐसा ही है। इन्होंने नया फीचर मुतारिफ कराया है, पहले व्हाट्सएप सिर्फ मोबाइल से यूज होता था, अभी क्या कह रहे हैं, मैसेंजर एंड कॉल, मैसेज एंड कॉल पीपल प्राइवेटली ऑन योर, पढ़ो ना, कंप्यूटर, व्हाट्सएप में ऑन योर मैसेज कंप्यूटर, व्हाट्सएप आ सर, व्हाट्सएप में पे मैसेज भी ऐड चलते हैं, जो आपने पेज भेजे बनाया सर, होता है आप उसको कनेक्ट करते हो, हम आगे उसमें व्हाट्सएप पे दिखाते हैं आ रहा होता है ये 280 पर डे का आ रहा होता है ना, तो वो ऐड इसको नहीं करने का, व्हाट्सएप पे जो व्हाट्सएप आप में ऐड हमारे पास चलाओगे, व्हाट्सएप ऐड शो ही नहीं पे है। जब आप ऐड चलाओगे, व्हाट्सएप से ऐड चलाते हो फेसबुक पेज पे, तो फेसबुक पे दिखता है, व्हाट्सएप पे नहीं दिखता। सर सर जैसे ये इसमें आ रहा है ऐसा, टू फेसबुक पे चलाएंगे तो स्टेटस भी दिख रहा है, व्हाट्सएप पे चलाएंगे तो सर फेसबुक पे दिख रहा है जैसे कि, असल तो फेसबुक पे ही स्क्रॉल कर रही है ना ऑडियंस, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे थोड़ी स्क्रॉल कर रही है। हाँ सर जैसे ये प्रोफाइल इसमें टू व्हाट्सएप पे इसमें आ रहा है स्टेटस व्यू हो रहा है आपके, सर ये तो जैसे आप जो मोबाइल का नंबर है वही व्यू कर रहे हैं ना, इसके अलावा भी व्यू करना है व्हाट्सएप से, फिलहाल तो वही कर रहे हैं जो आपके पास नंबर ऐड है, हाँ जैसे इसमें तो ये शो कर रहा है ना कि आप पे स्टेटस व्यू इनसाइट दे रहा है ना, बेसिकली एनालिटिक्स दे रहा है ना, आपने बिजनेस बनाया है, बिजनेस का मतलब क्या है कि ये पर्सनल नहीं है प्रोफाइल आपकी, अगर आपका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मेरा खाड़ी का बिजनेस है, तो आप सबके पास जैसे मेरा आप नंबर, फेसबुक पे जैसे आप व्यू सबके बना पास रहे मेरा हैं, नंबर सेव है, सही है, खाड़ी एक बिजनेस है, खाड़ी एक ऐसी प्रोफाइल है जिसको सब जानते हैं और सबके पास वो नंबर ऐड है। ठीक है, तो खाड़ी अगर स्टेटस लगाते हैं अपने व्हाट्सएप पे, अपने किसी प्रोडक्ट का, अपनी कोई ऑफर का, अपनी कोई समर कलेक्शन का या विंटर कलेक्शन का, तो वो सब देखेंगे जिनके पास नंबर सेव होगा, उसके व्यू दे रहा है कि उस पर कितने व्यूज आए आपके स्टेटस पे, कितने हाँ कितने लोगों ने देखा। अगर हम इस पे व्हाट्सएप पे अगर हम वो चलाते हैं ऐड चलाते हैं हम्म, फेसबुक पे ऐड शो होगा तो हम्म, क्लिक करके कहाँ आएगा सर, क्लिक भी कहाँ आएगा, इट डिपेंड कि आप उसको कहाँ लेके जाना चाह रहे हो, व्हाट्सएप से आप डायरेक्ट उसको व्हाट्सएप, उसमें भी व्हाट्सएप से आप उसको क्या पता अपनी वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हो, व्हाट्सएप पे भी तो फिर वही आएगा ना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप अपना ऐड दिखा के वेबसाइट पे ले आना चाह रहे हो, आप अपना ऐड दिखा के मोबाइल कॉल पे लेके आना चाह रहे हो, या अपना ऐड दिखा के व्हाट्सएप पे चैट पे लेके आना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर है। जैसे कि अभी आपने बोला फेसबुक 5,000 तक फॉलोवर्स हो रहे थे, हम 5,000 तक फ्रेंड्स भेज सकते हैं ना फ्रेंड्स विक्रम, हो गए हाँ 5,000 हो गए, लेकिन अब ऑप्शन हमने कट कर रहे हैं ना और कनेक्ट कर रहे हैं, वही नहीं रहा हमारे तो नहीं होना ना, वो तो बता जैसे रहे कि अभी हैं आपने प्रोफाइल खोली है हमारी 5K फॉलोवर्स है हमारे, तो हम और कर रहे हैं ना फॉलोवर्स, फॉलोवर नहीं फ्रेंड, फ्रेंड्स बोल रहा हूँ, फ्रेंड ज्यादा ऐड नहीं कर सकते आप, फ्रेंड 5,000 ही फॉलोवर तो आ सकते हैं आप, आते आते हाँ फॉलोवर जितने होंगे टेंशन नहीं है। सही है, तो आप क्या क्या पोस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे कोई इमेज, कोई वीडियो और कोई टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हो, फेसबुक पे स्टोरी डाल सकते हो, रील डाल सकते हो,
कोई लाइव इवेंट आपका होने जा रहा है वो आप डाल सकते हो, ठीक है, पेज बना सकते हो, एड बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, ठीक है, मार्केट प्लेस पे क्या कर सकते हो, लिस्टिंग कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप इजीली कर सकते हो, सही है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट प्लेस को। ये मार्केट प्लेस क्या होती है बेसिकली, मार्केट प्लेस बिल्कुल यार छोड़ दो ना इसको, नहीं छोड़ दो इसको, सही है। तो मार्केट प्लेस क्या है, जहां पे आप सेलिंग और परचेजिंग कर सकते हो, पता है इसके बारे में, सही है, सेलिंग और परचेजिंग कर सकते हो। अगर आपकी कोई शॉप है, अगर आपकी कोई मोबाइल की शॉप है, कपड़ों की शॉप है, किसी भी चीज की प्रोडक्ट की शॉप है, तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो और यहाँ पे बायर और सेलर को एंगेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी का काम है तो आप अपने जो फ्लैट्स हैं, ठीक है, उसको आप मार्केट कर सकते हो। अगर आप कुछ बेच रहे हो, आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, तो आप घर बेच सकते हो। आप किराए पे अगर देना है तो आप रेंट के लिए यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। तस्वीर लेके डाल दो। अगर आपकी किसी दुकानदार से दोस्ती अच्छी आ रही है, उसको ये काम नहीं आता, तो आप उसकी दुकान पे जाओ, अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचो और मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर दो। अगर वो 1000 रुपए की दे रहा है, 1200 रुपए के हिसाब से डाल दो, रेट डाल दो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कैटेगरीज में आऊं, आपका क्या काम है, अगर आप गाड़ियों में, बहुत सारे लोग यही काम करते हैं ना, उनका गुसर बसर इसी से होता है, 2000 की चीज लेके 3000 की बेचती है। मेरे कितने एक दो निकले थे बंदे, उनका काम क्या है, टोटल यही काम है कि किसी का फर्नीचर उठाया 2000 रुपए का, उसको 2000 उठा के उसको 3000 रुपए का लिस्ट कर दिया और बेच के 1000 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। गाड़ी उठाई, ठंडे बाजार चले गए, मल्टीपल गाड़ियों की तस्वीर ली, रेट पूछे, डाल लिया। आज का एक बंदा है ना, बाइक ऐसे ही बेच रहा है। एक बंदा नहीं, हजारों बंदे इसी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट रखी हुई उनके पास 1,00,000 रुपए, सही है, 50,000 रुपए रखे हैं, उन्होंने कोई बाइक देखी अच्छी जो कि कम प्राइस में मिल रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग अर्जेंट में बेच रहे होते हैं ना, उसने कम प्राइस में उठा ली, उसको पता थी कीमत, वही जोरी वही जानता है ना, हीरे कौन जानता है, जोरी जानता है ना हीरे की वैल्यू। अब आपको अगर पत्थर मिल जाएगा समंदर जाके, आपको थोड़ी पता उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन उसको लेके जाओगे पत्थर वाले के पास जो ये काम करता है, वो हो जाएगा भी तो बहुत वैल्यूएबल है। तो बोलेगा भाई कचरा है ये, तो कुछ भी नहीं है, तो बेकार है, ठीक है, या तो बोलेगा अच्छा है या तो बेकार है। उसको पता है पत्थर की कीमत, क्योंकि उससे लोग लेने आते हैं, क्योंकि वो पत्थर का काम कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बाइकों का काम बहुत अच्छा है, आप बाइकों के बहुत शौकीन हो, आपको पता है बाइक कौन सी कितने तक की मिल रही है, और आपने देखा आप भी रिसर्च भी कर रहे होते हैं, यहाँ पे कोई गाड़ी अच्छी मिल रही है जाके विजिट करके आ गए, विजिट किया, बाइक अच्छी मिली, आपने उठा ली, बोला यार कम पैसों में मिल रही है, ये आराम से 60-70 हजार रुपए में जा सकती है। जैसे ये भाई आए थे, भाई बाइक ले लो बहुत जबरदस्त है, 25 में दे देगा, ऐसा ही है। लेकिन उसको जब आप लिपा पोती करके, अच्छी पॉलिश करके, अच्छा सा उसको ऑप्टिमाइज करके, हमारी दवा में ऑप्टिमाइज होगा ना, ऑप्टिमाइज करके आप 70 हजार रुपए लगा दो, लोग तैयार है लेने के लिए, ऐसा ही है। एक दुकानदार वो रील देख रहा है, आप जाओ उसकी तस्वीर लेके आप पोस्टिंग कर दो, सिंपल काम है, आपके मजे से जो है ना 10,000, 15,000, 20,000 बन सकते हैं। जैसे आसिम है, हाँ ओएलएक्स पे भी लोग अब ऐड चला रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, ये फ्री में है फिलहाल, इसमें कोई पैसे नहीं है, लगाई आपने, आया मैसेज वगैरह, सही है सही है, आएंगे आएंगे, पूछ तो रहे ना, हेलो आए तो चल रही है ना, गुड हो गया। मल्टीपल वेज ट्राई करो ना, कहने का मकसद ये नाउ अ डेज हर कोई एक्टिव हुआ है ना, तो आपने मल्टीपल वेज ट्राई करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्लेस पर डिपेंडेंट नहीं रहना, आपने मार्केट प्लेस भी यूज करना है, आपने ओएलएक्स भी यूज करना है, आपने वैसे ऑर्गेनिकली भी मार्केट करनी है, जैसे आपने बताया रील बना दी, पोस्ट बना दी, तो आप मल्टीपल जगहों से नजर आओ। अगर आप कोई क्लोथिंग सर्च करे तो आप मार्केट प्लेस पर भी आप नजर आ रहे हो, ओएलएक्स पे कोई सर्च कर रहा हो तब भी आप नजर आ रहे हो, कोई पोस्ट पर भी सर्च कर रहा है क्लोथिंग लॉन्ग सूट तब भी आप नजर आ रहे हो, कोई रील में जा रहा तब भी आप, तो आपका हर जगह होना बहुत जरूरी है। अब अगर कबाब जी की एग्जाम्पल लो ना, कबाब जी जो बेकर्स है
इतनी अच्छी चीजें नहीं है उसकी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके पास एज ये है कि हर जगह अवेलेबल है, हर जगह आ रहा है भाई, वो छोटी छोटी एरिया में खोल रहा दुकान है। उससे क्या होगा, बोला यार कौन जाए अभी इतनी दूर, यूनाइटेड तो कहाँ पे पड़ेगा, कहीं वहां पे पड़ेगा, बेहतर ये इसी से ले लो, मुझे थोड़ी खाना है तो लेके जाना है। अब KFC क्यों चला, मैकडोनल्ड क्यों चला, उसने जगह जगह गली गली मोहल्ले में ब्रांचेस बना ली। अब मुझे अगर बर्गर खाना है मैं CU जाकर थोड़ी वेट करूंगा, मैं बोलूंगा यार वाटर पंप में बैठ जाएंगे, या तो हम गुलबर्ग में बैठ जाएंगे, या तो हम यहाँ गुलशन में बैठ जाएंगे, गुलशन में कौन सी ब्रांच है, करीब है तो गुलशन में चलते हैं, पागल थोड़ी हूँ मैं। आपका हर जगह अवेलेबल होना आपकी सेल्स ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप बिजनेस मॉडल समझो ना, KFC क्यों कामयाब हुआ, मैकडोनल्ड क्यों कामयाब हुआ, ब्रांड बन गया, क्यों ब्रांड बना, जगह जगह अवेलेबल हो गया। जिसको बर्गर खाना है बराबर में बर्गर वाले आ जाए, चले यार, समझ रहे हो। इसी तरीके जब आप कोई कपड़े बेच रहे हो, कोई गाड़ी बेच रहे हो, तो आप भी हर जगह आपकी लिस्टिंग कर दो। कोई OLX पे देख के आ सकता है, कोई फेसबुक मार्केट प्लेस को देख के आ सकता है, कोई रील देख के आ अभी तो हम बेसिकली फेसबुक समझ रहे हैं ना, फेसबुक क्या है बता तो रहा हूँ, इतनी बड़ी मार्केट है। अब देखो मार्केट प्लेस में भी एड चल रहे हैं, क्या ये स्पॉन्सर्ड एड, ठीक है, ये देखो ये भी स्पॉन्सर्ड चल रहा है, ये क्या है मैनी चैट, ये मेटा से बनते हैं छोटे, हाँ ये एड मैनेजर से चलते हैं, ये बेसिकली प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट में आपको बताया था ना, आप दिखाना कहाँ चाहते हो एड जी, आप मार्केट प्लेस पर दिखाना चाहते हो, आप डिस्प्ले पे दिखाना चाहते हो, या आप न्यूज फीड पे दिखाना चाहते हो, या आप रील में दिखाना चाहते हो, आप स्टोरी में ऐड दिखाना चाहते हो, वो आपसे पूछता है। तो इस बंदे ने मार्केट प्लेस पे ऑन किया हुआ है, सही है, देख रहे हो मेटा का भी ऐड आ रहा है, मेटा फॉर बिजनेस, सिर्फ लेफ्ट पे सिर्फ ऐड ही आ रहा है। अब ये देख रहे हो कैटेगरीज आ रही है फिलहाल यहाँ पे, ये पहले इन्होंने सब चीजें देख ली, अब वुमेन क्लोथिंग शू एंड शूज आ रहे हैं, फिर यहाँ पे सेल फोन एंड एसेसरीज आ रही है, फिर यहाँ पे ज्वेलरी एंड वॉचेस आ रही है, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉर रेंट आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स आ रहे हैं, वुमेन क्लोथिंग एंड शूज आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया, और यहाँ लेफ्ट पे क्या आ रहा है, ऐड आ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हुए गए। कोई किताबें देख लो, किताबें 5 बुक्स जितने की 1600 रुपए की, ये 5 बुक आपको 1000 रुपए में मिल सकती है, अगर आप यहाँ उर्दू बाजार चले जाओ, सही है, 200 रुपए की बुक देता है, 250 रुपए की देता है, ठीक है, ठीक है, तेरा काम मेरा काम नहीं है। आप आसिम से पूछ के बुक कहाँ मिलती है, वहाँ गए 4-5 पिक्चर्स की बंडल ली और यहाँ अपलोड कर दिया, वो तो डाल रहा है, आप अपना देखो बेटा कहाँ से 200 की वहाँ से लेके यहाँ 250 की भेज दो, नहीं बता रहा, 150 रुपए की आती है कस्टमर के पास, 150 की आती है वो, सॉरी जो बेचने वाला है उसके पास 150 रुपए की आती है, 250 की बेचता है, ये पायरेटेड जो हमें आती है, ये आती है कहने का मकसद आपका, अगर कोई मोबाइल मार्केट में कोई बंदा जानने वाला है उससे मोबाइल लेके यहाँ लिस्ट कर दिए, कोई अगर कवर आप जानने वाला है वो डाल दिया आपने, ठीक है, कोई अगर आउटलेट है जहाँ पे ग्रोसरी बिकती है उसकी पिक्चर लेके डाल दी, नॉवेल तो कहाँ, लेडीज बहुत पढ़ती हैं,
रवि हमने देखा क्या नाम है रिव्यू स्क्रॉल कर रहे थे ना यार मैंने कहा मोबाइल का और आजकल बहुत चल रहे ना वो जो चल रहे हैं क्या वो बैंगन को क्या नाम है क्या बोलते हैं अभी जो इसके पन्नी ऐसा लगता है वो तो जो स्किन स्किन हमने देखी अभी स्किन की करीब 1500 रुपए की सारी स्किन हमको व्हाट्सएप कराना चाहिए लेकिन उसने बोला हम लोग वहाँ पे रहते हैं लॉट से करते हैं कार्ड कराचे अवेलेबल नहीं है लेटेस्ट आई होगी मशीन बनाई होगी ना उसने जी उसने टैग बर्नर ने भी अपना स्टार्ट किया था ना काम इसके का पूरी मशीन नहीं लगाई थी सर कंसिस्टेंसी ना कंसिस्टेंसी एफर्ट मेहनत करते रहो आप भी पहुंच जाओगे हम लोगों का मसला ये हम कंसिस्टेंट नहीं है सही है इसीलिए आप उठाओ ना रिव्यूइंग करते करते जब पैसे आना शुरू हुए फिर बढ़ा लिया ना बंदे ने जितने भी आप इन्फ्लुएंसर देख रहे हो पहले वो इन्फ्लुएंसर करते 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 जब पैसे आना शुरू और ज्यादा पैसे आना शुरू जो समझदार है उसने क्या किया अपना बिजनेस कर लिया अब आज मेरी वीडियो चल रही है कल मेरी वीडियो नहीं चलेगी आज मैं लोगों को अच्छा लग रहा हूँ कल मैं अच्छा नहीं लगूंगा तो मेरा जरिया माश अगर यही होगा तो मैं तो रुल जाऊंगा मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा मुझे क्या चाहिए कोई ना कोई साइड हसल बनाऊ कोई ना कोई बिजनेस बना लूं अगर ये ना भी रहे तो ये मुझे क्या करता रहे चलाता रहे मेरा बिजनेस बन जाए मुझे जरूरत ही नहीं है अब थोड़े से अब थोड़े लोग समझदार हो गए पहले लोग सिर्फ डिपेंडेंट होते यूट्यूब की अर्निंग पर यूट्यूब 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 एकदम से बैंड हुआ पाकिस्तान में गया समझ रहे हो तो कहने का मकसद आपने भी इस तरीके से करना है आपने भी ये चीजों को सर एक दो लोग है ना और बाकी कहाँ है तो वही दो तीन लोग है जो कंसिस्टेंसी से कॉन्टेंट बना रहे हैं और काम कर रहे हैं बाकी कहाँ कामयाब हुए सही है अगर इंडियन भी उठाओ ना हर बंदा यूट्यूबर बना हुआ हर बंदा टिकटॉकर बना हुआ लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा प्रॉपर शादी में गया वीडियो बनाई टिकटॉक पे बन गया प्रॉपर नहीं काम कर रहा ना सही है तो ये एक मार्केट प्लेस है यहाँ पे आप किस तरीके से लिस्ट कर सकते हो क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग बेटा ये देख लें यहाँ पे सामने यहाँ पे यहीं पे इसका इनबॉक्स आ रहा है यहीं पे बाइंग और यहीं पे सेलिंग का ऑप्शन है ठीक है और यहीं पे इसके नोटिफिकेशन आते हैं इसका अलग से नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपके पास सही है इसका इनबॉक्स यहीं पे खुलेगा और यहीं पे आपको मैसेजेस आ रहे होंगे नहीं अभी मेरा इनबॉक्स आ रहा है कि मैंने अपना अपार्टमेंट जो है वो रेंट के लिए लगाया था तो वो मैसेज आ रहा था आज विजिट है ओके आज विजिट कर लें सही है पुराने मैसेजेस हैं पहले के ठीक है तो मैंने अपार्टमेंट अपना रेंट के लिए डाला था तो उसके मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे हाँ आए दिखाया तो ये नहीं कह रहा आज आप आज विजिट कर लें अच्छा ये तो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ सही है सेलिंग मुझे क्या करना है कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करनी है क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे चला गया अब मुझे क्या बेचना है आइटम फॉर सेल करना है व्हीकल फॉर सेल करना है या मैंने सेल और रेंट करना है मैंने आइटम बेचना है सही है अब आप गए अपने दोस्त के पास आपने उससे अच्छी अच्छी तस्वीरें ली बताया ना कि दराज से 200 रुपए की बुक मिल रही है आप दराज से 200 रुपए की बुक उठाओ और वहाँ 500 रुपए यहाँ फेसबुक पे डाल लो और उनको अच्छा करके अच्छा भी कर लो या तो उसको पता भी नहीं है अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है 250 रुपए की बुक आती है ठीक है बहुत सारी चीजें कर सकते हो बहुत सारे रेस है आप बेचना आना चाहिए मेरे दोस्त फिर दूसरा आप किसको अप्रोच कर रहे हो आप ऑनर्स को अप्रोच कर रहे हो आप ऐसी क्रीम को अप्रोच कर रहे हो जिनको क्वालिटी कंटेंट बहुत पसंद है आप उसको 5000 रुपए की बेचोगे वो लेगा आपसे क्योंकि वो करोड़ों लाखों का मारा उसको 5000 कुछ भी नहीं है उसके लिए बात समझ रहा है मेरी सही है तो कहने का मकसद ये आपका यहाँ पे तस्वीर आ जाएगी वो जो आप बेच रहे हो समीर सही है यहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा वो आप क्या बेच रहे हो क्या बेच रहे हो आप वॉच बेच रहे हो सही है वॉच कौन सी है स्मार्ट वॉच है आपने स्मार्ट वॉच डाल दिया यहाँ पे आपने 5300
टूल है, फर्नीचर है, हाउस होल्ड है, गार्डन है, अप्लायंस है, एंटरटेनमेंट है, बुक एंड मूवीज है, क्लोथिंग एक्सेसरीज है, ठीक है, सही है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, ऑटो पार्ट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपकी कैटेगरी क्या है, गैरेज सेल है, व्हीकल है, बेसिकली ये पर्सनल वेयर में आएगी ना, हाँ उसमें भी आ सकती है इलेक्ट्रॉनिक में। आप मैन क्लोथिंग फेसबुक मार्केटिंग में सही है सर, इंस्टाग्राम मार्केटिंग सही है, सही है ब्रांड अगर कोई है ये आ गया यहाँ पे कुछ नहीं रहा, आप तो पूछ रहे थे ना क्या पूछ रहे थे आप, इसकी डिटेल लिखनी है, हाँ तो आप यहाँ पे वो पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि वो जो आपकी स्मार्ट वॉच है वो किस किस के लिए, वही कॉपी कर लिया, कॉपी करके हमने वही लगा दिया, हम तो दुकान पे नहीं बेचते, डिस्क्रिप्शन अच्छी करी वेडिंग में और अच्छा लगे डाल दिए, बेसिकली आपने उसको 3-4 रुपए कर दिया ना, अगर आप स्पोर्ट्स मैन है तो आपके लिए बेहतरीन है, अगर आप फिटनेस के लिए ले रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं, अगर आप वैसी टेक लवर हैं तो उन तीनों को टारगेट करके आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी, सही है, लिस्ट एज अ सिंगल आइटम, लिस्ट एज इन स्टॉक, अब आप या तो होलसेलर बन जाओ उसमें या तो आप दुकानदार बन जाओ, होलसेलर कौन कि आप बल्क में बेच रहे हो, ठीक है, और सिंगल बंदा कौन जो एक एक प्रोडक्ट बेच रहा है, सही है, लिस्ट इन अ स्टॉक और लिस्ट इन अ सिंगल पीस, ठीक है, ये लोकेशन आ जाएगा, कहाँ बेच रहे हो, कराची में बेच रहे हो ना, कराची में डाल दिया, क्या स्टार्टिंग से लेके एंड तक नहीं आता प्राइसिंग, कहाँ से कहाँ तक आता है, एक प्राइसिंग लिख सकते हैं ना, एक ही प्राइसिंग लिख सकते हो, यानी स्टार्टिंग से लेके यानी जैसे 500 से लेके 5000 तक अगर लिखना हो तो फिर क्या करेंगे, तो एक ही प्राइस आएगा फिलहाल, चाहिए हर एक की, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दो ना उसको, प्राइस में डाल दो, एक इंडिविजुअल लिस्टिंग कर दो ना, हाँ 5 नियॉन डाल दो, अब उस नियॉन में टाइटल चेंज कर दो, टाइटल में डालो नियॉन 1/16 इंच, नियॉन 1/2 इंच, उसमें आपने डाल लिया, विद चार्जर विदाउट चार्जर प्राइस लिख दिए, विद होल्डर विदाउट होल्डर प्राइस लिख दिए, अगले को आपने सच बात बता दी, इसमें बहुत सारी चीजें झूठ भी लिखी होती है, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो आप सच बात लिखो, टाइटल आप इस तरीके से बनाओ जो कि सच कह रहा हो कि आपका नियॉन क्या है, नियॉन विदाउट चार्जर, ठीक है, नियॉन विद एडाप्टर, नियॉन फिर ब्रैकेट में साइज लिख दो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये टाइटल आ गया क्या है, क्या कहते हैं उसको, नियॉन नियॉन साइन, नियॉन साइन, सही है, विद एडाप्टर यहाँ पे लिख दिया 4/2, सही है, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे दूसरी पोज बनाई विदाउट एडाप्टर 4/2, सही है, 6/9, कोई बोले यार आप वो तो आपने ये देखा था ना सर, आप मैंने टाइटल पढ़े, मैंने सिंपल लिखा हुआ है, अगर आप एडाप्टर के साथ लेंगे तो इतने का पड़ेगा, विदाउट लेंगे तो ये, तो मैंने साइज भी लिखा हुआ है, 4/2 का लेना है तो इसके ये प्राइस है, 6/2 का लेना है तो उसकी ये प्राइस है, 3/2 का लेना है तो उसकी ये प्राइस है, तो बोलेगा हाँ यार आप बात तो ठीक कह रहे हो, आपने टाइटल में ही लिखा हुआ, अगर टाइटल में आप छुपा के रखोगे कुछ बिना टाइटल और बिना उसके प्राइस के डाल दो, टेस्ट करो, देखो टेस्टिंग है, मैंने एक ही चीज सीखी है वो क्या है, ट्राई करो, अगर इस तरह टाइटल चल रहा है इस तरह बेचो, विदाउट टाइटल चल रहा है विदाउट टाइटल बेचो, कुछ टाइटल में कुछ छुपा के रखना है कि अगला बंदा उसको क्यूरियोसिटी हो, झूठ नहीं बोल रहे आप क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए, ठीक है, उसमें आप लिख दो गेट वन बाय वन फ्री, अब गेट वन क्या फ्री, नियॉन लोगे तो उस बिहार पे एक बुक फ्री मिल जाएगी, नियॉन लेने पे कोई गिफ्ट मिल, एडॉप्टर फ्री मिल जाएगा, कुछ इस तरीके के मल्टीपल वो बनाओ, कंटेंट चेक करना फिर चल क्या रहा है, अगर मेरे पास 5 सेल उसमें आ रही है किसमें, विदाउट एडॉप्टर या गिफ्ट के साथ एडॉप्टर, एडॉप्टर फ्री,
आपने प्राइस उसमें कवर कर ली नियॉन साइन विद फ्री ऐप डॉक्टर, ये आपकी क्या बन गई, एक ऑफर बन गई। अब वो फ्री वाले पे ज्यादा क्लिक्स आएंगे आपको, और वो जो आप विद ऐप डॉक्टर दे रहे हो उसमें प्राइस ऐड कर रहे हो वो अलग आ रहा होगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? तो मल्टीपल क्या करो, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन टाइटल डाल डाल के चेक करो किस पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, जिस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया उस तरह का कॉन्टेंट बनाना शुरू कर दो। अब मैं पोस्टिंग भी कर रहा हूँ, मैं रील भी डाल रहा हूँ, मैं पोस्ट भी डाल रहा हूँ, मैं टेक्स्ट इमेज भी डाल रहा हूँ, मैंने चेक करना है हफ्ते बाद कि मेरा किस पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया, इमेज पे आया, वीडियो पे आया, टेक्स्ट पे आया, फिर मैं क्या करूंगा अगले महीने वो वाला कॉन्टेंट बढ़ा दूंगा। समझ गया मेरी बात? इस तरीके से टेस्टिंग करनी है आप, तो लोगों को मेरी क्या चीज पसंद आ रही है एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, तो ये टेस्टिंग करने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो आप पूछते हो कुछ जाके, सवाल करते हो, आपका इंटरेस्ट जागता है, आप बात करके देखो, आप टेस्टिंग करो। शुरू में आपने टेस्टिंग करनी होती है, 3 महीने 2 महीने आपको पता चल जाता है मेरा कस्टमर किस तरीके से आ रहा है, फिर आप टेस्टिंग कम करके ज्यादा जो है वो उस पर काम करते हो और 20% टेस्टिंग वाला आइटम रखते हो। समझ आ रही है बात मेरी? मुर्तुजा समझ आ रही है बात? सही है, ये काम सारा सारा क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का है। ये मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, आप बोलो मुझे मार्केट प्लेस आ गया, नहीं तब तक नहीं आएगा जब तक आपको सेल नहीं आएगी, जब तक आपके पास आपका जो टारगेट है वो अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो लाजमी इसको यूटिलाइज करो। इसका वो जो मैंने बताई भी थी कि इसकी वीडियो बनी हुई भी है, अगर आप यूट्यूब पर जाओगे, अगर आपको यूएस वगैरह में भी काम करना है तो फेसबुक मार्केट प्लेस के नाम से ना मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाके आप वीडियो देख भी सकते हो। ठीक है, अगर मैं इधर प्लेलिस्ट में जाऊं, चल ये फेसबुक मार्केट प्लेस की 4 वीडियोस हैं, इस बंदे ने बताया किस तरीके से आप सही है फेसबुक मार्केट प्लेस सोर्स करोगे, लिस्ट करोगे और ऑर्डर रिसीव करोगे। ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो, अगर आप देख लोगे ना अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। ये बेसिकली ड्रॉप शिपिंग के बिहाफ पे बनी हुई है यूएस में, बहुत सारे लोग मार्केट प्लेस फेसबुक पे यूएस में ड्रॉप शिपिंग करते हैं, पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं OLX से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने अच्छी सी तस्वीर डाल दी, यहाँ मैंने टाइटल डाल दिया, यहाँ मैंने प्राइस डाल दिया और यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल दी छोटी सी। ठीक है, अब वही वॉच की बात करी, आपका ब्रांड का है, जिस ब्रांड का है उसका बेचोगे ना, बेसिकली मार्केट प्लेस पे आप कर क्या रहे हो, ब्रांड की हेल्प कर रहे हो। सही है, तो आप ब्रांड का नाम लिख दोगे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सही है, यहाँ पे फिर आप टेस्ट कर दो कि आपकी किस से रिलेटेड चीज है। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्मार्ट वॉच लिख दो, सही है, अल्ट्रा वॉच, जिससे लोग सर्च करते हैं। ठीक है, ये भी वही टैग्स हैं जो हम यूट्यूब पे यूज करते हैं। ठीक है, नहीं ये टैग्स हैं कि लोग जब इस नाम से आपको सर्च करें तो आप टॉप पे आ जाओ आप। ठीक है, क्योंकि इसमें भी SEO हो रही होती है, ये भी कीवर्ड्स हैं आप। ठीक है, कुछ 4-5 अच्छे अच्छे कीवर्ड यूज करो जिससे रिलेटेड लोग सर्च करते हैं। क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल वो एक अलग सिनेरियो, हम फेसबुक पे अभी फिलहाल सर आप बेसिकली अभी अगर हम फेसबुक पे जाएंगे, यहाँ फेसबुक खोले हम दोबारा से और फेसबुक मार्केट प्लेस को खोलते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा। ठीक है, ये रहा सर्च मार्केट प्लेस, क्या लिखूंगा, स्मार्ट वॉच। देखो ये क्या है, स्मार्ट वॉच, वॉच एंड अल्ट्रा, अल्ट्रा 8 स्मार्ट वॉच, अल्ट्रा 7-in-1 स्मार्ट वॉच, कितने सारे कीवर्ड आ गए। हाँ तो अब आप उसको यूटिलाइज कर लो। ठीक है,
क्योंकि आपको क्या करना है, टॉप पे आना है, जो टॉप पे आएगा उसके पास क्लिक ज्यादा आएंगे, जो टॉप पे नहीं आएगा नजर नहीं आएगा, क्लिक नहीं आएगा, ये टैग्स में आएंगे, प्रोडक्ट टैग्स में, टाइटल में भी आप एक दो यूज करोगे, और मेरे पास तो आ रहे हैं यार, मैंने देखो फेसबुक ही खोला हुआ आपके लिए, टाइटल कंडीशन कैटेगरी और एडिशनल लिस्टिंग ऑप्शन यार है ना, एडिशनल लिस्टिंग ऑप्शन आ गया, टेक्स्ट एडिशनल लिस्टिंग ऑप्शन में आ रहा है, एडिशनल में जाओगे तो एडिशनल चीजें आ जाएंगी, वो आप ऐड कर सकते हो। सही है सर, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? तो आप ऐसे लोग ढूंढो फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं करना। आप क्या काम करते हो हैं? उसके अलावा आप शॉप जॉब काम करते हो मेडिकल में? अब मेडिकल मेडिकल वाले इतना सर तो बता रहे हैं कि वही टैबलेट किसके लिए, वही टैबलेट किसके लिए, वो कंपैरेटिव वो सही है, सही है, लेकिन कहने का मकसद ये मेडिकल जो है वो अलाउ नहीं करता फेसबुक।